रेगुलर टेक अपडेट्स के लिए कैप टेक रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक्चुअली आई गॉट सम कोल्ड, तो आवाज़ थोड़ी सी वजनी हुई है। आज की वीडियो होने वाली है गूगल असिस्टेंट पे। गूगल असिस्टेंट जो कि हिंदी में लॉन्च हो चुका है, तो आज की वीडियो गूगल असिस्टेंट हिंदी से फ्लड करने पे होगी। एक्चुअली गूगल ने हाल ही में अपने डेटाबेस में कुछ नई लैंग्वेजेस ऐड की हैं जिनमें हिंदी भी है, और हिंदी जो कि उर्दू से काफ़ी मुताबिकत रखती है। सो बीइंग ए पाकिस्तानी, अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि गूगल असिस्टेंट से थोड़ा सा फ्लड किया जाए। सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और जो कि पाकिस्तानियों की जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन जितनी भी हिंदी मैं इस वीडियो में बोलूँगा वो सारी की सारी मैंने हिंदी मूवी से सीखी है। लेकिन जो कि पाकिस्तान में भी मूवीज़ तो हिंदी ही देखी जाती हैं, गाने भी हिंदी ही सुने जाते हैं, सो मुझे भी थोड़ी थोड़ी हिंदी तो आती है, सो ट्राई करना ही बनता है। सबसे पहले तो आप गूगल असिस्टेंट इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब उसकी सेटिंग्स में जाएंगे और जैसे ही आप हिंदी लैंग्वेज को ऐड करना चाहेंगे, तो वहाँ पे गूगल आपको नोटिफाई करता है कि ये हिंदी लैंग्वेज अभी बीटा फेज़ में है, मतलब थोड़ी सी लर्निंग फेज़ के अंदर है। लेकिन जो है गूगल असिस्टेंट बीटा फेजेस में ही है और इवॉल्व कर रहा है, सो गूगल इसको मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के तहत जो लोग अल्फाज बोलेंगे, जो लोग शब्द बोलेंगे, उन अल्फाज को वो सीख कर अपने गूगल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस इन्हेंस करने, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, ये जैसे इंग्लिश में गूगल असिस्टेंट आपसे रवानी के साथ बात करता है, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ ये सीख कर आवाज़ों को और लहजों को सीख कर इवॉल्व कर जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह असिस्ट करेगा जिस तरह इंग्लिश गूगल असिस्टेंट इन इंग्लिश आपको असिस्ट करता है। क्या तुम्हें उर्दू भाषा आती है? धर्म एक विशाल विषय है, मैं इसके बारे में अभी सीख रही हूँ। आज का मौसम कैसा है? आज लाहौर में तापमान 14 डिग्री होने का अनुमान है और आशंक रूप से बादल छाए रहेंगे। अभी तापमान 14 है, धुएं की संभावना है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने में कितना समय लगेगा? आपको हल्के ट्रैफिक में ड्राइव करके लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने पर 4 घंटे 17 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इमरान खान। लाहौर से दुबई जाने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल क्या है? लाहौर से दुबई के लिए नॉनस्टॉप उड़ानों की अवधि लगभग 3 घंटे 35 मिनट की है। आप प्रतिदिन 3 से 4 तक उड़ानों में से चुन सकते हैं। विकल्पों की सूची के लिए अपनी स्क्रीन देखें। भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर का क्या नाम है? कल्चर ट्रिप के अनुसार भुवन वैम्स यूट्यूब चैनल इज कॉल्ड बीबी की वाइंस एंड इट बोस्ट 6.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेकिंग हिम द मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर इन इंडिया। स्टीव जॉब्स का देहांत कब हुआ? उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई। रूस के शहर मॉस्को में इस वक्त क्या तापमान है? मॉस्को में अभी -3। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बताओ। ऑफ थ्रोन्स के बारे में कुछ जानकारी। कई शाही परिवार वेस्टेरोस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आयरन थ्रोन चाहते हैं। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। ठीक है, आपका अलार्म कल को सुबह के 5 बजे के लिए सेट कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान की करेंसी में क्या फर्क है? एक भारतीय रुपया 1.94 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। मुसलमान धर्म का खुदा कौन सा है? विकिपीडिया के अनुसार, according to Islamic belief, Allah is the most common word to represent God and humble submission to His will, divine ordinances and commandments is the pivot of the Muslim faith. तुम लड़की हो या लड़का? मैं लिंग निष्पक्ष हूँ। मुझे Google इंजीनियरों ने कोड से बनाया है आपकी सहायता करने के लिए। क्या तुम खुदा हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन धर्म के बारे में और जानने में मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। ओके गूगल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम बने, आप बने एक दूसरे के लिए।
ओके गूगल, क्या तुम इंसान हो? मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझ में इंसानियत बहुत है। ए?